नमस्कार व्यूअर्स मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट चो आर पार मोदी योगी के खिलाफ पूरा विपक्ष क्या एक साथ इकट्ठा हो गया है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दो दिनों में सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से बदल रहा है और यह सीधा संकेत मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले महागठबंधन की खिचड़ी पकनी एक बार फिर शुरू हो गई है अखिलेश यादव और चंद चौधरी की पार्टी आरएलडी का गठबंधन हो चुका है अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह के बीच एक बड़ी मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात के बाद संजय सिंह ने साफ संकेत दिया है कि यूपी में वो अखिलेश यादव की पार्टी से हाथ मिला सकते हैं और इसी बीच ओम प्रकाश राजभर राजभर ने बड़ा दावा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ओवेसी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की चुनावी पिक्चर का ट्रेलर दिखना अब शुरू हो गया है तो क्या वाकई 2022 में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का दाव चला जाएगा आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस यानी सबसे बड़ा राजनीतिक संवाद यूपी में मोदी योगी वर्सेस ऑल होगा क्या आज का आर पार इसी पर कि आज की मुलाकात में एक बात बहुत साफ तौर पे चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है इस कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है और इसको लेकर कुछ रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई है। अभी सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है प्रोसी तो पाँच दस सीटों को लड़ने को तैयार हो तो आप उनको अकोमोडेट करने को तो कर सकते हैं हम तो सबसे कह रहे हैं लेकिन अखिलेश जी पार्टी का फीलर नहीं था कि वैसी के साथ काम नहीं, चाहते। कभी उन्होंने कहा वो तो बता दीजिए और अब आपको बताते हैं कि मोदी वर्सेस ऑल का विश्लेषण क्या है एक एक करके हम बताते हैं अकेले मुकाबले में विपक्ष को यूपी में हार का डर है ऐसा लग सकता है कि अगर मोदी विरोधी वोट योगी विरोधी वोट बढ़ता है तो हार हो सकती है इसलिए ये पूरा एक साथ आ सकता है। इसीलिए कह सेंधमारी तो भी क्यों हो वो भी इन्हीं के गुट के अंदर आ जाए जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ना मिले यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ को हराने का जो भी है उसको निभाना चाहिए यह मानना है समूचे विपक्ष का खासतौर तो पर कुछ नेताओं का अखिलेश ने छोटे दलों को साथ लेने का दाव चला हालांकि एक अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसमें तमाम छोटे दलों को साथ ले लिया अखिलेश यादव ने जिसमें जयंत चौधरी यानी अजीत सिंह स्वर्गीय अजीत सिंह की पार्टी आर भी शामिल है राजभर भी शामिल है और अगर आम आदमी पार्टी साथ आती है तो क्या ताकत मजबूत हो जाएगी अखिलेश यादव की और क्या योगी आदित्यनाथ को हार देखनी पड़ेगी यह बड़ी बात है दो में यूपी में महागठबंधन चारों खाने चित हुआ था हमने देखा था अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हुआ जो कि कयास लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये जो आ, है जिसके अंदर 25 परसेंट वोट बैंक एक होगा 27 28 हो परसेंट एक होगा बावन चौवन परसेंट वोट बैंक के आगे बीजेपी और अमित शाह यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहां टिक पाएंगे? लेकिन हुआ उससे ठीक उल्टा मायावती को तो लाभ हुआ लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी की सीटें पांच की पांच ही रह गई 2019 में भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तर प्रदेश में वापस जीत के आई बिहार में महागठबंधन का गुब्बारा जिसमें नीतीश कुमार शामिल थे कांग्रेस शामिल थी लालू प्रसाद यादव शामिल थे वो गुब्बारा बीस महीने में फूटा था यह भी एक तथ्य और सच्चाई है क्या सब साथ आएंगे तो योगी दो में हार जाएंगे ये सबसे बड़ा मूल प्रश्न है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर योगी हारे तो फिर एक समुदाय की यह हार हो जाएगी क्या और यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या योगी हार जाएंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ तो दो हजार बाईस में हारे तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए भी 2024 में मुश्किलें बढ़ेंगी ऐसा कई पॉलिटिकल राजनीतिक पंडित और धुरंधर मानते हैं लेकिन मैं आपको साल 2018 की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं यह तस्वीर आज आप यूएस को जरूर देखनी चाहिए कुमार स्वामी का शपथ ग्रहण था इस शपथ ग्रहण में कौन कौन नहीं था सोनिया जी भी थी मायावती जी भी थी स्वर्गीय अजीत सिंह भी थे शरद अखिलेश बाबू भी थे सब थे, भी थे, लेफ्ट भी भी लेफ्ट थी, लेकिन साल 2019 के अंदर ममता बनर्जी विपक्ष को एक साथ लेके आई थी इसमें चंद्रबाबू नायडू भी थे इसके अंदर यशवंत सिन्हा भी आपको दिख रहे हैं इसमें सचिश चंद मिश्रा भी दिख रहे हैं अखिलेश और सपा एक साथ थे स्टालिन भी एक साथ थे जयंत चौधरी भी थे ये अरविंद केजरीवाल साहब भी थे शरद राव पवार भी थे कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे लेकिन नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी वापस जीत क्या है, यानी 2018 में जो आ, आ, एक सेंटिमेंट बनाने की कोशिश करी थी लेकिन 2019 में वो जम नहीं पाया मेरे साथ बात करने, करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है मेरे साथ आज की इस चर्चा में गौरव भाटिया भी हैं मेरे साथ आज की चर्चा में शांतनु गुप्ता भी हैं है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं नेता है पंकज श्रीवास्तव भी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता लेकिन मैं सबसे पहले संजय सिंह जी का रुख करूंगा संजय सिंह आज आप हेडलाइन में है सीधा संवाद आप ही से कर लेते हैं आज आप हेडलाइन में इसलिए क्योंकि आपने एक मुलाकात करी और मुलाकात राजनीति में शिष्टाचार के तहत भी हो सकती है और बाकी भी कई कारण हो सकते हैं लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा से मेरा तात्पर्य है आम आदमी पार्टी और सपा साथ आने जा रही है। देखिए आज जो बातचीत हुई मैं सुबह से कई चैनल पे और आपके चैनल पे भी बता चुका हूं कि क्या बातचीत हुई बातचीत साफ तौर पे यह हुई कि एक सैद्धांतिक सहमति इस बात पर हुई कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है यानी एक ऐसा शासन जहां पर प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया जाता है जहां पर एक गरीब की बेटी को हाथरस में रात में दो बजे जला दिया जाता है जहां किसान को फसल का दाम मांगने पर आंसू गैस के गोले झेलने पड़ते हैं और नौजवान को रोजगार मांगने पर लाठी और मुकदमा झेलना पड़ता है एक ऐसा शासन जिसमें मंत्री की गाड़ी चार किसानों और एक पत्रकार को कुचल के मार देती है फिर भी पूरी सत्ता उसके साथ खड़ी रहती है इस कुशासन को हटाना है इस पर एक सैद्धांतिक सहमति हुई जहां तक गठबंधन का प्रश्न है सीटों का प्रश्न है चुनाव साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस संदर्भ में जब आगे कोई बातचीत होगी तो निश्चित रूप से अमित जी आपको बताएंगे दूसरी बात अभी जो आपने कही गठबंधन को लेकर तो पहली चीज तो यह आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में दो गठबंधनों का चुनाव होगा ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है नहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का चुनाव अपना दल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और निषाद पार्टी के साथ मिलकर लड़ा इस बार के चुनाव में भी वो निषाद पार्टी और अपना दल के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर मान लीजिए चुनाव होता है जो तो दो गठबंधनों के बीच संजय जी संजय जी और उत्तर प्रदेश में अलग अलग वर्ग जो इस सरकार से पीड़ित है वो पूरा का पूरा वर्ग इस सरकार के खिलाफ बिल्कुल खड़ा होगा आ, उन वर्गों का आपस में गठबंधन हो रहा है ये भी समझना पड़ेगा ये बिल्कुल आपके चुनावी मुद्दे होंगे आप स्वतंत्र अपने चुनावी मुद्दों को रखने के लिए लेकिन ये सब कारण है जिसके चलते आप अखिलेश यादव के पास गए पास गए थे या हम माने ये गठबंधन लगभग लगभग तय है सिर्फ घोषणा बाकी है देखिए जब तक कोई इस दिशा में अंतिम बातचीत नहीं हो जाती कोई भी बात आपके साथ कहना या शेयर करना ठीक नहीं होगा तो इसलिए जब कोई इस दिशा में कोई एक ठोस और अंतिम बातचीत हो जाएगी गठबंधन को लेकर तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी मुद्दा विहीन है और इस चुनाव में वो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की ने और लोगों ने देखा ये 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 जो ये जो ये जो एक, एक, सड़ गई इस बार के चुनाव में लोग गन्ना की बात कर रहे हैं या जिन्ना की बात कर रहे हैं लेकिन जिन्ना आज, की बात तो बीजेपी ने, ने नहीं करी जिन्ना की बात तो कांग्रेस ने करी और अखिलेश यादव ने करी जिन्ना की बात बीजेपी ने कहा पहले करी पहले कांग्रेस ने करी फिर अखिलेश यादव ने करी जी मुझे सुन लीजिए मैं तो सुन रहा हूं सर आपको अमीश जी सुन लीजिए मुझे जी सर एक मिनट सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी हिंदुस्तान में कोई है अमीश जी तो भारतीय जनता पार्टी है भाजपा के आइकॉन है जिन्ना और कैसे है मैं बताता हूं आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर जी ने आजादी के पहले हिंदू महासभा और आरएसएस ने मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ की पार्टी थी तीन राज्यों में सरकार बनाई सिंध में बंगाल में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में फजलुल हक की गवर्नमेंट में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे सर सिंध प्रांत में तीन तीन मंत्री हिंदू महासभा के थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आप कह रहे कि बीजेपी जिन्ना वाली पार्टी है आरएसएस और हिंदू महासभा के तो लेकिन जिन्ना की तारीफ तो बाकी दल करते हैं बीजेपी तो करती नहीं है जिन्ना की तस्वीर के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकी दल मरे जा रहे हैं अरे सुन तो लीजिए जी सुन तो लीजिए सुन तो लीजिए पूरी बात तो सुना आपको लाल कृष्ण अडवाणी जी आजादी के बाद पहले ऐसे नेता हैं देश के उप प्रधानमंत्री रहते हुए जो जिन्ना की कब्र पर जाकर मत्था टेकते हैं चादर चढ़ाते हैं विपक्ष के नेता थे वो बताते हैं और क्या हुआ अडवाणी जी का संघ के प्रमुख लाल किशन अडवाणी ने अगर जिन्ना की मजार पे मत्था टेक दिया तो उनका बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे सामने वो अपनी किताब में जिन्ना महिमा मंडित करते हैं तो लाल किशोणी का हाल क्या हुआ पॉलिटिकल पॉलिटिकली लाल लाल किश्न अडवाणी 2009 का चुनाव हार गए थे मैं तो बार बार कहता हूं जो जो जिन्ना सुल्तान की बात करता है वो भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बहुत बुरी तरह से उसका हाल होता है सुल्तान और जिन्ना की बात करने वालों भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं मिलती जिस, जिस जिन्ना की बात करी है, I agree with you। लाल की ने आप कह सकते हैं कि 2009 का चुनाव तो लाल किशन जिन्ना की मजार आप कि लाल किशन का को पटाक्षेप हो गया लेकिन अब जिन्ना की बात बीजेपी नहीं कर रही बाकी दल कर रहे हैं

तो मतलब इसका मतलब क्या था मतलब कांग्रेस का कचरा माफ करिए कांग्रेस का कचरा नहीं लेना चाहते क्या मतलब था इस बयान का ऐसा है जी 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 ऐसा जी, ये सवाल जो आ, 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 आप पूछ रहे हैं बहुत सारे सियासी दलों का गठबंधन राजनीति में होता है और मैंने आपको बताया कि जिस भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं कि योगी के खिलाफ लामबंद योगी तो खुद गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं अकेले लड़ते वो क्यों अपना दल को लेकर लड़ रहे हैं अरविंद जी ने जिस संदर्भ में बोला था कि अगर किसी भी पार्टी का विवादित व्यक्ति होगा किस जो हमारा थ्री सीट का फॉर्मूला है उसके अनुरूप नहीं होगा तो उसको हम नहीं लेंगे उसको हम नहीं लेंगे ये बोला था लेकिन येद्यप्पा को भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला और फिर उसी येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया क्या बात करेंगे बीजेपी की बीजेपी वो पार्टी है जिसने उस पीडीपी के साथ समझौता किया जो अफजल गुरु को शहीद मानती है अच्छा मेरा मेरा एक सवाल है आम आदमी पार्टी वैकल्पिक राजनीति की थी? और वसूल है क्योंकि आम आदमी पार्टी वैकल्पिक राजनीति की बात भी वैकल्पिक राजनीति की बात लेकिन लेकिन अब आप आपको अखिलेश अब आप अखिलेश के साथ कर रहे हैं आज भी हम शिक्षा के मॉडल की बात कर रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए आज भी केजरीवाल साहब गए तो उन्होंने कहा महिलाओं को एक हजार रुपए हर, हर महीने देंगे आज हमारी पार्टी हर हर राज्य में जहां भी जा रही है एक एजेंडे के साथ एक मुद्दे के साथ उत्तर प्रदेश में भी हमारा अभियान तीन सौ यूनिट बिजली फ्री को लेकर चल रहा है लेकिन अब आपको लगता है कि अखिलेश बिल्कुल ठीक है अखिलेश में कोई समस्या नहीं है वैकल्पिक राजनीति में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश के साथ भी समझौता हो सकता है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ भी समझौता हो पाएगा बहुत सारे बहुत सारे ऐसे जनता के बुनियादी मुद्दे जिसका समाधान उन्होंने सत्रह के पहले भी किया था अखिलेश यादव जी ने और अभी इस चुनाव में भी लगातार वो तमाम ऐसे मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं तीन सौ यूनिट बिजली फ्री की बात हो या किसानों की बात हो आज आज उन्होंने कहा कि जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को पच्चीस लाख रुपए की मुआवजा राशि देंगे ऐसी तमाम बातें वो जनहित की आ, कर रहे हैं एक अपना एजेंडा लेके वो चुनाव में जाएंगे जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए अपनी बात को रखने के लिए मैं सीधा रुख करता हूं मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भी जुड़े हुए हैं पंकज श्रीवास्तव में अनुराग भदौरिया है शांतनु गुप्ता है गौरव भाटिया जिन्ना वाली पार्टी तो आप है और अखिलेश के साथ अगर आम आदमी पार्टी आती है जन चौधरी आ रहे हैं तो आप निपट रहे हैं क्या विपक्ष की तैयारी जोरदार है अमित जी सबसे पहले तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्तर देने के लिए तैयार था आम आदमी पार्टी के नेता शायद भाग खड़े होते तो उन्होंने कहा देखो मैं बहस नहीं करूंगा पहले मैं आरोप लगाऊंगा उसके बाद मैदान छोड़ के मैं भाग जाऊंगा क्योंकि तो भाजपा का प्रवक्ता जब बोलेगा तो ना अरविंद केजरीवाल टिकेंगे ना संजय सिंह टिकेंगे और मैं इनका असली चरित्र आपके सामने उजागर करता हूं आज ये बात तो सिद्ध हो गई ना कि महारथी मोदी जी ने दो पटकनी जो सारे नेता आप दिखा रहे थे उस तस्वीर में सोनिया गांधी राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी अखिलेश यादव इनको दे चुके हैं अब शूरवीर योगी आदित्यनाथ जी की बारी है और आप देखिएगा इनमें से कोई नहीं बचेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी सुनिश्चित करेंगे कि पिछली बार से ज्यादा सीटें हमारी है। आम आदमी पार्टी का इस सेगमेंट में चरित्र उजागर करता हूं आपके साथ ये मेरे हाथ में क्या आपको मालूम है आप ही के चैनल की न्यूज है आम आदमी पार्टी ने कहा था श्रद्धे मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्टाचारी नेता है इनको संसद में घुसने नहीं देना चाहिए आज क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी जो भ्रष्टाचारी थी उसके साथ ये लोग समझौता करने की बात कर रहे हैं अब इनका दोगला चरित्र दूसरा देखिए कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है और अरविंद केजरीवाल मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूं मैं समर्थन नहीं लूंगा लेकिन जब सरकार बनाई तो कांग्रेस पार्टी से समर्थन ले लिया दिल्ली इनसे संभल नहीं रहा और ये उत्तर प्रदेश के मैदान में कूद रहे हैं सारी सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई थी 2017 में लेकिन 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 अब तो तैयारी आपको निपटाने की है गौरव हां हां देखिए ऐसा है आप बहुत अच्छा शेर शायरी का भी ज्ञान रखते हैं ये जो सब एक साथ आ रहे हैं ना इनके लिए अर्ज किया है मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए तो वही हालत इनकी है अरे योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है ईमानदारी से किया है परिवारवाद की राजनीति नहीं करी है दो सौ रुपए की टोटी नहीं चुराई है बंगले से गायत्री प्रजापति जो कि आजीवन कारावास के अंदर है, है उसको मंत्री नहीं बनाया है सफाई महोत्सव नहीं किया है मुजफ्फरनगर दंगों के बाद और प्रदेश की जनता ये आ, देख रही जी है। जी, जी इन सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा आप देखिए अनुराग एक साथ आने की आवश्यकता पड़ रही अनुराग आपका आपका गठबंधन बढ़ता जा रहा है लेकिन बीजेपी कह रही है जिसे डर होता है वो साथ लेकर आता है उसी इसीलिए शायद योगी जी घूम घूम के कभी अनुप्रिया पटेल जी से कह रहे हैं आ जाओ भैया हमें बचाओ नहीं हम तो डूब चुके हैं कभी निषाद गरियाता रहता है सुबह से लेकर शाम तक प्रभु राम को भी गरिया दिया उसने सोचो ये प्रभु राम के भक्त अपने आप को फर्जी भक्त जो आपके टीवी बैठे हैं उनको भी गरिया दिया उसके भी चरण पकड़े हुए योगी तो जी तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग से, से पैदल सुन तो लीजिए मुलायम सिंह यादव अरे बात मत ना उसके भी पैर पकड़े साथ ये आपकी जरूरत है आप प्रभु राम को कितनी भी गाली दीजिए लेकिन मुझे सत्ता चाहिए किसी कीमत पे हम मन... आपका पैर पकड़े हुए हैं अरे भैया आप गठबंधन पैर पकड़ पकड़ के प्रभु राम को गाली दिलवा के लिए हुए हो और यहाँ बात कर रहे इतनी लंबी लंबी अरे उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा महंगाई बेरोजगारी और किसान पे जिस किसान को रौदा है ना रोंदने के बाद जिसको मंत्री बनाया हुआ है जिसके बेटे पे आरोप है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बैठा हुआ है और उसको हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और समाजवादी तो चैलेंज के साथ कह रहा है कि हम हर किसान को जो शहीद हुआ उसे 25 लाख रुपए देंगे उसके परिवार को क्या दोगे आप दोगे क्या दोगे क्या मैं चैलेंज करता आपको किसान को तो आप यहाँ पे क्या क्या चोर डकैत मवाली खालिस्तानी क्या क्या नहीं बोला आपने किसान को किसान को सम्मान आपने किया होता तो आज किसान की हालत ये हुई होती दो गुनी इनकम करने की बात की थी किसान को लाके एक साल तक रोड पे बैठा रहे लेकिन देखिए अनुराग 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 मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग अखुल से पैदल है सुनिए भाई अनुराग 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 कुछ कुछ नहीं हो रहा सवाल सुन ली योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कुछ लोग अखिल से पैदल हो गए बिल्कुल अकल से पैदल अकल से ना किसकी बात कर शब्द है ना नहीं वो खुद की बात कर रहे हैं वो वो कह रहा है कि भैया हम जनता ने मेरा साथ छोड़ दिया है हम कहीं के नहीं बचे हैं प्रधानमंत्री भी मुझे छोड़ गए मैं तो पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ अरे बैठाओ भैया गाड़ी में प्रधानमंत्री भी समझ गए ना आगे जनता ना पीछे जनता प्रधानमंत्री अनुराग अरे बताना पड़ता है बताना पड़ता है सोचो फोटो फोटो ट्वीट करके बताना पड़ता है कि भैया आपसे हो ना पाएगा गौरव गौरव भाटिया भाटिया जवाब जवाब कर रहे हो पे प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया योगी जी तरफ अखिलेश यादव का काम दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ अखिलेश ही अखिलेश हैं हम जहां प्रोग्राम कर रहे हैं वहां अखिलेश का काम दिखाई पड़ रहा है जिस रास्ते जा रहे हैं रिवर फ्रंट वो दिखाई पड़ रहा है जहां बिल्डिंग लेफ्ट राइट देखते हैं अखिलेश यादव अखिलेश यादव आप क्या कर रहे थे यहां पे इतने दिनों से आप फिर खाली दौड़ दौड़ के हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहे चारों तरफ आपने पेट्रोल डीजल बर्बाद किया था यहाँ पे सरकार का और आपने कोई काम नहीं किया जवाब देंगे गौरव भाटिया दे इन्हें हर तरफ अखिलेश यादव दिख रहे हैं गौरव भाटिया नहीं होगा दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं ऊपर देखते हैं नीचे देखते हैं अखिलेश यादव अखिलेश यादव ठीक है ना हो पाएगा ये साफ ठीक जवाब ले लेते हैं जवाब ले लेते हैं ये है कहानी जिनकी सेहत अच्छी होती है वो अपने कदमों पे चल पाते हैं लेकिन भैया पंचर साइकिल पे आ, किस किस को बैठाओगे टायर में हवा नहीं पहले आर डी तो बैठ को बैठाया, शांत कहे शांत तो करा दो को घूम रहे हैं तोते को, सोते को तो शांत करा दो कहा रह गए भैया? अरे लल्ला क्या हो गया कहां नीचे दल दे दे खोजो जल्दी से ये दल तो जा रहा है तो जा रहा है दलदल दल में कोई दूसरा दल खोज लो लल्ला अनुराग अनुराग करा लीजिए कहीं बिल्लाते कोई नहीं पूछेगा दल जल्दी खोज लो समय अभी दो महीना बचा है अरे कहीं रंगा बिल्ला मिलता हो जल्दी लोगो को निपट लेंगे हम लोग रंगा बिल्ला क्या कह रहे हैं देखिए गौरव भाटिया बीजेपी में है अनुराग कराइए फिर मेरे पास आइए लल्ला जल्दी निकल लो ये दलदल तो दल में गया ये दल तो दलदल में गया आप कहाँ ठिकाना खोजो जल्दी नया कहीं जुगाड़ बनाओ जुगाड़ कहीं मिल जाए कहीं और दूसरी जगह नहीं तो भैया जो कुछ हो भी चला जाएगा ठीक है जी मैं उत्तर आ, दे दो तो गोड़ तो मिर्गी का दौरा पड़ा है इनको आ, दौरा पड़ गया है हाँ, अस्पताल के लिए भेज दे भाई थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है इनका जल्दी जल्दी ये ऐसे ही बोलते रहते हैं लल्ला अनुराग अनुराग मुझे ऑडियो डाउन करना, करना पड़ेगा देखिए मैं कैसे करूंगा ऐसे काम आपने आपने बोल दिया कि आपको दाएं अखिलेश देख रहा है बाएं अखिलेश जी दिख रहे हैं ऊपर नीचे हर जगह आपको अखिलेश जी दिख रहे हैं आप कह रहे हैं कि पब्लिक उनका काम रही है जवाब ले लेते हैं ना आपने गौरव भाटिया से पूछ लिया उनके दल के बारे में वो जवाब दे देंगे उसका वो कह रहे हैं बीजेपी का दल जो है वो दलदल में जा रहा है और इनको हर तरफ अखिलेश दिख रहा है जवाब गौरव भाटी अमीर जी देखिए मैं कह रहा था ये पंचर साइकिल पे जो जो बैठा है साइकिल भी गिरी और टूटी है और वो भी टूटा है चाहे वो बुआ हो मायावती चाहे यूपी के लड़के दूसरा लड़का राहुल गांधी बेचारा उभर ही नहीं पाया सदमे से आरएलडी को बैठाया आपसे बात कर रहे हैं ए आई से बात कर रहे हैं और लोग अभी बता रहे राजभर जी ने बोला सारी छोटी पार्टियां एक साथ आ जाओ कांग्रेस पार्टी भी आ गई कटोरा लेके कहे, हम भी छोटी पार्टी है हम भी आ जाए अरे एक बात तो सिद्ध है भारतीय जनता पार्टी की ताकत इतनी है कि आप लोग विपक्षी क्यों ना हो सब एकजुट हो रहे अब दूसरी बात यह बड़ी अहम है यह सुनिएगा कैसी ये लालच है सपा में कि सत्ता के सुख के लिए कुछ भी करेंगे आम आदमी पार्टी ने कहा भ्रष्टाचारी सपा और मुलायम सिंह यादव उनसे समझौता करेंगे कांग्रेस पार्टी मुलायम सिंह यादव जी खुद कहते हैं कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कराए तो कांग्रेस पार्टी ने कराए कांग्रेस से समझौता कर लिया और देखिए ये मायावती का एक बयान है सपा गुंडों की पार्टी है गुंडों की पार्टी है तो भाई बसपा के साथ क्यों चले गए इसका मतलब क्या है कोई चरित्र नहीं है इस समाजवादी पार्टी का है। गाली भी खा लेंगे सत्ता बस मिल जाए और ये तीनों उदाहरण है ये सवाल से कि अपने कोई असूल है अपना कोई चरित्र बचा है अनुराग की अनुराग भुदौरिया की बात का जवाब इनको हर तरफ अखिलेश जी दिख रहे हैं वो क्या नीचे दाएं बाएं बाथरूम में घुस गए होंगे हाँ वो बाथरूम में घुसे होंगे वहां शीशा लगा है टोटी तो चुरा के ले गए वो दो तो सौ रुपए की सरकारी बंगले से अब इनको लग रहा है हर जगह अखिलेश है अरे भैया बाथरूम से निकलो अनुराग अनुराग जवाब कहीं नहीं है और तुम देखोगे भ्रष्टाचार है समाजवादी पार्टी का जनता कोस रही है के बताने वालों साथ आप सरकार बना रहे थे, आप देश की बात करोगे यहाँ पे अरे देश की बात करोगे सिर्फ आपने भिखारी बोल दिया हिंदुस्तान के यहाँ पे शहीदों को दिलाने वालों को शहीदों को भिखारी बोल दिया हिम्मत नहीं हो रही है जिन्ना का है, आप, इनके दिल जिन्ना है। आगे दिखाओ राष्ट्र के शहीदों का रखते रखते को बोला राष्ट्र के शहीदों का अपमान किया आजादी के आंदोलन में डरने वालों का अपमान किया नहीं लोगे नहीं ले तो आप राष्ट्र के, तो के साथ नहीं खड़े हो आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो आप के साथ खड़े हो आप राष्ट्र के साथ खड़े को बिधार बोलने वाले से पद्मश्री लेकिन नहीं ले पाओगे अनुराग अनुराग ठीक है मैं कांग्रेस का रुख कर देता हूँ अब देखिए अब देखिए देखिए मैं कांग्रेस का रुख कर देता हूँ अब अनुराग अनुराग नॉन स्टॉप देखिए गौरव भी अब तो चुप हो गया अनुराग अनुराग सबसे ज्यादा आप चर्चा के अंदर बोले हैं आपका गठबंधन बड़ा हो रहा है तो सबसे ज्यादा आप वक्त आपको थोड़ी मिल जाएगा आपका गठबंधन बड़ा हो रहा है आपको खांसी भी आ रही है पानी वानी पी लीजिए तो आ, मैं रुक करता हूं कांग्रेस पार्टी का पंकज श्रीवास्तव मेरा सीधा सवाल आपसे और बहुत डायरेक्ट सवाल है कांग्रेस पार्टी की हैसियत क्या बड़े दल की है छोटे दल की है या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इस समय की जो स्थिति है उसमें जहां समाज है वहीं बेहतर है अमीश जी पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहूं कि आपने 20-22 मिनट बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मौका दिया अभी तक जो बातें हो रही थी देखिए टेलीविज़न बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और इस माध्यम के जरिए जनता के तमाम प्रश्नों पर विमर्श होना चाहिए ताकि जो सरकार है उसको उससे सवाल किया जा सके और विपक्ष को पूरा मौका मिले कि वो सवाल कर सके इसीलिए हमारे जन माध्यम होते हैं अफसोस की बात है कि जो मूल मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं हो रही है उनहत्तर हज़ार शिक्षक इसी लखनऊ में इको गार्डन में बैठे हुए हैं जो जिनके आरक्षण पे लूट हुई उनपे लाठियां चल रही हैं सीबीआई ने बाकायदा विज्ञापन दिया है नौ नौ पुलिस वाले फरार हैं एक आईपीएस पे एक लाख का इनाम घोषित हो चुका है स्त्रियों का जो हाल है वो पता कर लीजिए आप जिस तरह से एन के आंकड़े हैं बलात्कार हो अपराध हो हत्या हो इसके मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन है बेरोजगार त्राही त्राही कर रहे हैं जनता परेशान है महंगाई से पेट्रोल डीजल से कोरोना काल में ऑक्सीजन के एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग तड़प के मर गए जो हमारी जीवन दायनी गंगा थी वो शव वाहनी हो गई और कोई उस पर चर्चा नहीं हो रही देखिए आगे भविष्यवाणी करने वाले बहुत लोग होंगे लेकिन सवाल यह है कि जनता के प्रश्नों पर चुनाव होता है और विपक्ष होता कौन है राजनीतिक दल सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेकिन वही विपक्ष तो गठबंधन कर रहा है अगर उत्तर प्रदेश वही वही विपक्ष, विपक्ष तो जिन्ना की बात कर कर रहा रहा है है वही वही विपक्ष विपक्ष तो हिंदु तो हिंदुत्व को और कह उत्तर मैं मैं चुपचाप बैठा था अमीश जी एक मिनट का हमें भी समय दे दी चुपचाप बैठे थे अगर उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष है क्योंकि विपक्ष का मतलब होता है सर सर विपक्ष का मतलब होता है जो जनता के शोक को शक्ति में बदले जो उसकी तकलीफों को उठाए जो उसके मुद्दे पर संघर्ष करे तो आपको क्यों लग रहा विपक्ष है विपक्ष है? प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी है सपा कौन सी पार्टी है जिसने विपक्ष की भूमिका अदा की है ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव है जिसको जिसके साथ जिसको जिसके साथ मिलना हो मिले कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है जनता के दुख दर्द की पार्टी है उसके साथ खड़ी है गांव गांव खड़ी है और ये संघर्ष हम कर रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं मेन ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी है शांतनु शांतु राजनीतिक विश्लेषक का मैं करता हूं शांतनु गुप्ता आपकी नजर में और उत्तर प्रदेश का रसायन जी 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 मैं फिर अनुराग से भी प्रतिक्रिया लूंगा कि समाजवादी पार्टी से बेहतर तो कांग्रेस है शांतनु गुप्ता कांग्रेस असली विपक्ष है बीजेपी का मुकाबला क्या कांग्रेस से है उत्तर प्रदेश के अंदर शांतनु गुप्ता एज एक्सपर्ट जो अब... भी उत्तर प्रदेश को जानता है जो भी उत्तर प्रदेश को जानता है उसको पता है कि उत्तर प्रदेश पिछले तीन दशक से कांग्रेस छह परसेंट सात परसेंट आठ परसेंट की पार्टी रही आई थिंक मुद्दा ये नहीं है मुझे ट्रेंड अमीश भाई बिल्कुल पिछले दो के चुनाव जैसा दिखता है कि दिसंबर तक तो कोई गठजोड़ नहीं था और जनवरी आते आते 2017 जनवरी आते साइकिल और हाथ साथ में आ गए देखिए जब अखिलेश अभी दो महीने पहले पहली बार चार साढ़े चार साल में निकले तो उन्होंने कहा मैं 400 सीट जीतूंगा इतना उत्साह था उनमें कि 400 सीट जीतूंगा लेकिन जब वो पहली, पहली बार फील्ड में गए चार, चार साल में पूरे पूरे कार्यकाल में योगी जी के तो 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 उन्होंने लगा ये तो फील्ड में तो मैं सौ सीट भी जीत जाऊं तो बहुत बड़ी बात है मैं अपने जाऊ के नंबर पर आ जाऊंगा तो एकदम से बड़ा डिस्परेशन दिख रहा है देखिए इन्होंने जब भी सरकार बनाई है सपा ने सरकार बनाई है बसपा ने तो इनका जो जो हाईएस्ट पीक था वो 30 परसेंट वोट शेयर का था दो भाई 2007 में 2012 में अब बीजेपी ने गेम अप कर दी है बीजेपी गेम 40 परसेंट बयालीस परसेंट पचास परसेंट पर ले गई है 14 17 और 19 में और ये लोग

अब वो मुख्तार अंसारी को टिकट देने जा रहे हैं सुनने में आ रहा है अब वो वासी को टिकट देने जा रहे हैं वो दस सीटें वहां से ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल डेस्परेट स्थिति लग रही है उनकी इस समय लेकिन 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 आम आदमी पार्टी का साथ आना उस उस तरफ से आपने बोला जयंत चौधरी की जयंत सिंह अजीत सिंह के जो पुत्र है उन, उनकी पोलिटिकल विरासत जो है वोट शेयर है उसका साथ आना होगा वोट शेयर भी ला पाएगी आम आदमी पार्टी और कौ, और कांग्रेस कह रही है अस्त्री विपक्ष तो हमें प्रियंका जी ने कुछ कुछ भी यही बात कह रही हैं और माननीय पंकज श्रीवास्तव आए हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए बसपा जो बड़ी पार्टी है जिनके पास बीस परसेंट का वोट शेयर है जब वो साथ में है 2019 में तब कुछ नहीं हुआ बसपा से बड़ा सपा के बाद भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक है पिछले सात साल से उसके बाद सपा बसपा का जब वो दोनों साथ आके नहीं हुआ है तो मुझे लगता है अपने को आपको, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा जमीन पर रहना पड़ेगा आधा परसेंट परसेंट इधर से एक से से ले उधर लेके मेरे इस, ऐसे स्टिचिंग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जिस तरह से वो सीटें बांटे अनुराग, अनुराग 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 जवाब हाँ वही दे रहा हूँ जी बीजेपी के आघोषित प्रवक्ता हैं

उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह डरी और घबराई है इतनी बुरी तरह वो सकते में है कि सुबह जैसे योगी जी उठते हैं वो बोलते हैं अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव अरे भैया अखिलेश यादव अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं चिल्ला रहे हैं वो उनको आपा खो चुके हैं उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता जा रही है ये जो हमारे पीछे आगे पीछे जो शोहरत थी जो हेलीकॉप्टर मेरे ये जो हम झूठ ये ठोक देंगे देंगे वो कर देंगे, मतलब उन्हें पता है, सब मेरी मेरी की है हमने इतने दिन तक यहाँ काम ही नहीं किया अखिलेश यादव के डर के मारे वो बौखला गए हैं और उन्होंने पांच साल तक जनता जनता चिल्लाया होता कोविड काल में लोगों की मदद की होती ऑक्सीजन अनुराग कैसे घरों में बैठे थे

राजभर तो ओवैसी को न्यौता दे रहे हैं कि आइए अखिलेश यादव आपके साथ आ सकते हैं लेकिन और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप आए बाय साय बोल रहे हैं शांतनु तो। जवाब अनुराग देखिए देखिए अमित भाई ये इतना बेमेल तो तो गठबंधन है इतना बेमेल गठबंधन है जैसे आपने खुद बताया केजरीवाल कहा करते थे कि सबसे करप्ट जो नेता है वो मुलायम सिंह यादव है पार्लियामेंट नहीं का गठबंधन जवाब कहते थे कि अधकचरा अधकचरा केजरीवाल है समाजवादी पार्टी कहती थी वाले रोजगारी दे रहे बीजेपी का गठबंधन आती है सरकार बनाने के लिए शांति से आपकी बात को सुनते रहे आप डेढ़ मिनट बोले आपकी पूरी बात को सुना ये क्या तरीका है

गौरव सुबह से शाम तक योग्य फिर कांग्रेस दोनों का उत्तर देना चाहता हूं डरा कौन हुआ है अमीर जी आपने देखा आए बाय साए टाए फाए छाए फाए अरे भैया मुद्दा क्या है ऐसे प्रवक्ता रोज भेजने चाहिए सपा को जो थोड़े बहुत वोट बचे हैं वो भी चले जाएंगे और देखिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर गए कानपुर गए क्या बात करी उन्होंने बताया एम्स आया है गोरखपुर में रायबरेली में उन्होंने बताया पंद्रह करोड़ टीके वैक्सीन दी है हमने उत्तर प्रदेश की जनता को और इन्होंने क्या मुद्दे उठाए पिछले कुछ दिनों में इन्हें लगता है जिन्ना और सरदार पटेल और महात्मा गांधी बराबर है उत्तर प्रदेश की जनता थूकती है ऐसे विचारों पर बहुत कड़े लफ्जों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जिन्ना की तुलना सरदार पटेल जी से महात्मा गांधी से दूसरा इन्होंने कहा बीजेपी का टीका है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया वही बीजेपी का टीका जो बता रहे थे जनता को कह रहे थे लगाना मत वही टीका श्रद्धे मुलायम सिंह यादव जी ने लगाया परिपक्व कौन है मुलायम सिंह जी है ये जो लड़का है ये तो लड़का ही रहा पंचर साइकिल में ही लोगों को बैठाया जा रहा है पीछे ट्यूब नहीं टायर नहीं आगे हैंडल नहीं और डंडे पे सीट नहीं और सबको बैठाया हुआ है जवाब जवाब अनुराग, की? अनुराग बाद में बोलते हो रहते हो क्या तब ये एक कुछ नया दो तो ही बात बोलते रहते हो कुछ नया पढ़ के आओ कुछ नया कि कुछ नया बोलना है महिलाओं पे बोलना है युवाओं पे पे बोलना बोलना है है किसानों पे बोला कुछ तो पढ़ के खाली साइकिल 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 करते रहते हो चौबीस घंटा साइकिल करते हो दिया शुरू गांधी ने आपको निकाल दिया तो काय साइकिल को यार सुबह से लेके शाम तक साइकिल साइकिल करते आप साइकिल नहीं बैठाएगी आपको साइकिल तोड़ दिया तो तोड़ दिया साइकिल तोड़ दिया आपको पीछे चार अब आपको फिर भेज दिया जाओ फिर काय साइकिल साइकिल करता साइकिल का टायर उखड़ गया

अरे सरकार वैं? तो आते जाते रहती है कितना तुम निकालोगे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो भाई आदम खाक की सरकार तो आती, रहती सरकार आती जाती रहती, रहती है पुलिस का वेतन इससे दिया जाता है अब देखा ना कोई बात नहीं आती है, जाती है, लेकिन सही जी 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 हैं तो चाहते कोई ना ज़्यादा बोले अच्छा ठीक है ठीक है एक सेकंड अनुराग 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 और गौरव एक सेकंड मैं देखिए अनुराग अनुराग मेरा एक आपसे बेसिक सवाल है अनुराग को स्क्रीन लिख गौरव जी गौरव जी अनुराग अनुराग देखिए आय बाय आपकी भाषा के अंदर आय बाय बोलने से तो कुछ नहीं होता पॉइंट का जवाब देना चाहिए बाय बोलने से तो कुछ नहीं होता आपकी भाषा के अंदर आपने बोला बाय नहीं आप बोला चाहिए. आप तो मेरा मेरा आपको मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी आप पानी पी लीजिए मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा बिल्कुल आ आ रही रही है है ना नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं बिल्कुल ठीक है ना आप ठीक है स्वस्थ है अरे बिल्कुल अच्छी बात है ये ओम प्रकाश राजभर आपके साथी है ना अरे बोलिए तो सही सवाल तो पूछो नहीं मैं कह रहा हूं, आपके साथी है ना अरे तो सवाल तो पूछो सवाल है यही सवाल है साथी है ना आपके हाँ है ना अरे अभी हमारे साथ उनका गठबंधन अभी हुआ। अरे हमारे साथ हैं अभी है ना ठीक है आगे में बढ़ता हूँ आपके साथ हैं और चुनाव आपके साथ वो लड़ रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर से जब सवाल किया गया अः आ... उनसे सवाल पूछा गया कि अगर आठ दस सीटों पर लड़ने को तैयार हो तो आप उन्हें साथ लेंगे तो 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 उन्होंने बोला बिल्कुल ये ये तो हम तो कब से ये बात कह रहे हैं लेकिन, लेकिन 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 अखिलेश जी का कहना था कि वो ओवैसी के साथ काम नहीं करना चाहते जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कभी उन्होंने अखिलेश ने ऐसा कहा हो तो ऐसा बता दीजिए वो तो साथ रहना चाहते हैं वो तो ओवेशी के साथ रहना चाहते हैं अब मुझे जवाब दीजिए इस बात का क्या ओवेशी भी आपके गठबंधन में आएगा अगर नहीं आएगा तो राजभर गलत कह रहे हैं अरे सुन तो लीजिए मैं जी अब मैं अपनी बात कह दू जी सर ये देखिए समाजवादी एक पार्टी है और राजभर जी की अपनी पार्टी है ठीक है दो पार्टी ने आप दो पार्टी एक दूसरे के विचारधारा के साथ आई मैं समझ गया वो सब समझ गया क्या क्या, बोलते हैं क्या सोचते हैं सुन तो लीजिए अरे बात तो सुन लीजिए मैं पूरी बात बता दूं हाँ, आपको समझा तो, रहा हूँ का जवाब क्या बोला किस संदर्भ में बोला वो जवाब वो देंगे लेकिन समाजवादी का कोई विचार नहीं है अभी गठबंधन करने का प्रकाश ने गलत बोला अभी मेरी बात नहीं समझे मेरी बात अभी नहीं, नहीं, नहीं समझे तो समझ समाजवादी समझ ने समझ कहा ऐसा क्या नहीं? कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं या समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला क्या छोटी बोला गया क्या जब समाजवादी पार्टी के तरफ से नहीं कोई बात बोली गई है तो आप उसको क्यों समाजवादी पे थोपना चाहते जाएगी हमारी बात राज बोलना होगा समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी के लिए के साथ गठबंधन होना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो सही कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं नीतीश कुमार जी बहुत कुछ नीतीश कुमार की बात ही नहीं है नीतीश कुमार की बात ही नहीं है ये ये यूपी की बात है नीतीश कुमार का सवाल नीतीश कुमार जेडीयू का ये सवाल आपसे आपको दिक्कत ना होगा अरे सवाल का जवाब अच्छा, दे अच्छा तो राज रहे हैं कोई बात कही अनुराग अनुराग, अनुराग दस सेकंड अनुराग ऑडियो डाउन करिए अनुराग का अनुराग आपको ऑडियो डाउन है अनुराग राजभर गलत कह रहे हैं राजभर गलत कह रहे हैं हाँ करिए या ना करिए हो गया मैं जवाब दू हाँ ये

आपकी राय क्या है ओवेसी के था था। ओवेसी वाले बयान पर राजभर के साथ है या उनके खिलाफ है का का, मैं मैं अभी फिर फिर का उन्होंने गलत सेकंड बोला नहीं मैंने क्या अरे आप फिर वही बात कर रहे हो आप नहीं बात मनवाने के लिए आप एजेंडा चलाओगे तो आपके एजेंडा में राजभर राजभर जी ने तो खुल के बोला आप घबरा रहे नहीं बोला ना अरे भाई राजभर जी से पूछ लो ना आपके पास नंबर होगा आप पुराने साथी हैं उनके आप बात कर लीजिए उनसे समाजवादी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है ये तो अच्छा, मैं बोल रहा समाजवादी ने ऐसा कुछ नहीं, नहीं बोला पार्टी पार्टी ने कुछ करती है समाजवादी बोलेगी कोई बात तो उस बात पर जवाबी ऐसा कुछ आप ओवैसी को साथ नहीं लेंगे अरे समाजवादी ने अभी ऐसा कुछ बोला फिर वही बात अरे यार हम डिशेज फैसला लेने वाले है यानी आ सकता समाजवादी ने यानी साथ ने में आ सकता है समाजवादी ने ऐसा कुछ बोला नहीं इस इसमें भी आ सकता है मैं कह रहा हूं समाजवादी ने नहीं बोला ना कुछ अभी आ, अरे आप फिर वही गड़े आपने आज कहानी बता रहे आप मैं कह रहा हूं समाजवादी ने नहीं बोला ये बात ठीक है चलिए मैं समझ गया मैं आपकी मजबूरी का सम्मान करता हूं मैं मैं जान रहा हूँ आपकी मजबूरी का मैं सम्मान मेरी, करता हूं। हूं? का तो करता मेरी मजबूरी का क्यों सम्मान करते हो यह पार्टी का राष्ट्रीय और बाकी छोटे दलों को भी राजभर ने बोला साथ लेना चाहिए इसका फायदा मिलेगा यानी पीस पार्टी को भी राजभर चाहते हैं वो साथ आ जाए आप क्या कहते हैं लेकिन सपा आपको छूने को तैयार नहीं है आपको भी ओवेसी को भी नहीं बिल्कुल अमीश जी देश की आजादी से लेके आज तक भारत के मुसलमानों ने इन तमाम सौ कोल्ड सेक्युलर पार्टी सपा बसपा कांग्रेस पर विश्वास किया और इन्होंने हमेशा ठगने का काम किया लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी और एक चीज इस पर राजभर जी हमारे साथ रहे हैं गठबंधन में इसलिए वो कह भी रहे हैं मैं तो सलाम करता हूं जाट समाज को राजभर समाज को और पटेल समाज को जिन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टी को स्वीकार नहीं किया जैसे मुसलमान के वोट को तो ये लंगर भंडारे या हदिए का माल समझते हैं कि इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है इनको फ्री में मिल जाएगा मुसलमान को ये अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं इसीलिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस किसी भी ऐसे दल को लेना नहीं चाहती दो एक परसेंट वाले जाट को लेंगे आधा परसेंट वाले राजभर को लेंगे तीन परसेंट वाले समाज को लेंगे लेकिन जो समाज उत्तर प्रदेश में बसता है जिसके सौ से ज्यादा सीटों पर जिसका एक अलग इंपॉर्टेंट रोल है उसको पॉलिटिकल पार्टनरशिप देना नहीं चाहते ये कहते हैं ओवैसी साहब बाहर के मान भाई बाहर के लेकिन वो डॉक्टर अयू जो चार विधायक जिताकर 18 लाख वोट पाकर उत्तर प्रदेश में स्थापित कर चुके हैं जिससे जब गोरखपुर में गठबंधन किया सपा ने तो योगी आदित्यनाथ की सीट को हरा दिया था और उसके बाद

हाँ अच्छा जो इतना चिल्लाता है वो समझ जाओ किसकी टीम है इसलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जब आदमी ज्यादा चिल्लाए दूसरे को दूसरी की टीम बताए तो समझो किसकी आप, टीम आप है इस बात का एहसास उनकी आत्मा को भी है और आप भी समझ गए होंगे <laughs> उसको गो, गोरखपुर के, के चुनाव में क्यों साथ बैठा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और सुनो किसके पैसे से हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल डाला जा रहा है ये मालूम आप गोरखपुर चुनाव में क्या हुआ था गोरखपुर चुनाव में क्या हुआ था बताइए गोरखपुर चुनाव में अखिलेश यादव भाई है जिताया नहीं जिताया हमें दोनों से लड़ना है हमारे माल पे कब्जा अच्छा तुमने किया है आ, तुमने मुझे कर जन... कर है तुमने तुमने करवाया वोटों को कब्जा के रखा अच्छा, करा अब आप मैं बोल लूट कराओ तो बोलूं ये आ, हो गया अच्छा हो गया अब देखिए सवाल ये है कि इनको झगड़ा सत्ता से होना चाहिए तो झगड़ा सापा से कर रहे तो किसकी टीम है इससे अंदाज लगा लो बीजेपी से झगड़ा होना चाहिए बीजेपी यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी बढ़ा नहीं नहीं। नहीं। रही है।, तो है, तो है, है उत्तर प्रदेश की जनता का आपका समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि उनको वोट चाहिए लेकिन साथ नहीं दिखना शांतनु गुप्ता वोट चाहिए लेकिन साथ नहीं दिखना चाहते शांतनु गुप्ता नहीं देखिए ये एक असमंजस रहेगा जब आप इतनी बेमेल की पार्टियों से जब गठजोड़ करेंगे तो वो फीलर देंगे राजभर जी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुख्तार अंसारी के पास फीलर भेजे जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के भाई को ज्वाइन कर लिया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये तो मानना पड़ेगा मैं ओवैसी जी की राजनीति से बिल्कुल वाकफा नहीं रखता लेकिन ओवैसी जी ने डरा तो दिया है जो 18 परसेंट उन्नीस परसेंट मुस्लिम वोट बैंक पे अखिलेश को लगता था कि मेरी पूरी बपौती है अब उनको हिला दिया है तभी उनको जिन्ना का नाम लेना पड़ रहा है मुख्तार अंसारी को फीलर भेजने पड़ रहे हैं दो हजार बारह के बाद अमीज जब से पार्टी यादव की मुझे, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा मुझे ब्रेक ब्रेक के के लिए रुकना पड़ेगा बाद वापस आ वेलकम बैक आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है आर पार में निष्कर्ष का और आज का निष्कर्ष यही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी हर गठबंधन पूरे दाव पेच चुनाव में लगाता है अपनी पूरी तैयारी करता है लेकिन जनता जनार्दन अंतिम फैसला करती है ये हम सब जानते हैं लेकिन यूपी के चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि पहली बार अगर योगी आदित्यनाथ जीत कर वापस आते हैं तो ऐसा बहुत समय बाद लगभग लगभग तीस साल बाद ऐसा होगा कि एक मुख्यमंत्री रिपीट करेगा अदरवाइज या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी रिपीट करेगी अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि बीजेपी कह रही है अगर योगी हारे तो प्रदेश को नुकसान होगा देखते हैं क्या होगा नमस्कार